So hey guys, what's up and welcome back to my another video. तो पता तो लगी गया हो कि PUBG हो गई है बैन इंडिया में, और सिर्फ PUBG बैन नहीं हुआ, इसके साथ 118 और चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि TikTok हुई थी 30 जून को बैन, जिसके साथ 58 और चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी। जब TikTok बैन हुआ था तब सारा इंडिया काफ़ी खुशी में था, और उसी समय से कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि आज नहीं तो कल जाके PUBG को भी बैन होना है। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा यार, ये किसी ने नहीं सोचा था। देखो भाई, जैसे TikTok बैन होने की खुशी सारे इंडिया को हुई थी ना, तो मेरे हिसाब से इस टाइम PUBG बैन होने के बाद जितने भी PUBG वाले थे उनके पेरेंट्स को खुशी होती होगी। यार अभी तो उन लोगों के पेरेंट्स बोलते होंगे विनर विनर चिकन डिनर। यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि मैं भी PUBG खेल के देखता हूँ कैसा है, और मैंने सोच रखा था कि जब मैं भी प्रो प्लेयर बन जाऊंगा तब मैं भी गेमिंग पीसी लूंगा, गेमिंग फोन लूंगा। यार लेकिन इधर सरकार ने तो सबकी गेमिंग टू ही ले ली। वैसे तो यार जो हुआ अच्छा हुआ, अगर हम अपनी गवर्नमेंट का सारी टाइम साथ देते हैं तो इस टाइम भी साथ देना चाहिए। पर यार कई लोगों को ना ये लगता है कि जिनके फोन में PUBG डाउनलोडेड है वो यूज कर सकते हैं, बस नई ऐप आप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। भाई साहब ये कौन सा प्रोटोकॉलॉजी हुआ, हर 4 दिन के बाद तो इन लोगों का 100 करोड़ GB का अपडेट आ जाता है। भाई साहब अपडेट कहाँ से करोगे? और कई लोगों को तो ये लग रहा है कि PUBG बैन बुन नहीं होने वाली, ये सब फेक न्यूज है। तो भाई साहब फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कंफर्म किया है ट्वीट करके कि 118 ऐप बैन हुई है और इसके साथ तुम्हारी PUBG भी है। बाकी बातें तो ठीक है, पर यार जिसने भी नई नई गेमिंग पीसी और गेमिंग फोन लिया होगा यार, उनका क्या हो रहा होगा? मेरे तो एल लग गए। यार अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और मीम पेजेस को फॉलो करते हो ना, तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि 20-25 दिन से ना इंस्टा पे एक चीज बड़ी चल रही है। ये मीम पेजेस वाले बहुत सारी चीज ऐसे डाल रहे हैं ये बोल करके कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स है, जितने भी लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उन सभी के लिए जॉब ऑफर होगी, उन सभी को आगे प्रोत्साहित किया जाएगा। अबे कुछ भी मतलब, कुछ भी यार मेरे हिसाब से ना, जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। लाइक जब TikTok बैन हुआ था तब TikTok काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम था, जैसे कि अभी PUBG सोर्स ऑफ इनकम था काफी लोगों के लिए। कई लोग बिजनेस चलाते थे अपना, इससे कई लोगों का फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट था। उसी तरह से TikTok पर भी कई लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था ये, और कई लोग TikTok को अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे। नहीं देखो, ये मेरा ओपिनियन था, जैसा मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि PUBG वापस अनबैन होगा। जैसे कि TikTok जब बैन हुआ था तब उसके काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे थे कि अब ये अनबैन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो यार देखो, PUBG के भी कुछ ऐसे ही पॉसिबिलिटीज है कि वो अनबैन नहीं होने वाला। और अगर आपको नहीं याद कि चंडीगढ़ में एक 13 साल के लड़के ने PUBG में इतनी सारी गन्स खरीदी, इतना सामान खरीदा कि उसके घर वालों का पूरा 16 लाख रुपए लग गया। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 30,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। 30,000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਤਬ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜਬ ਉਨਕੇ ਫੋਨ ਮੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇ 30,000 ਕਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਬ बैंक में जाकर के पता किया तब बैंक वालों ने उनसे कहा कि अब तक 16 लाख की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। समझ पा रहे, TikTok की तरह सेम ही है। कई लोगों का सोर्स ऑफ इनकम और बिजनेस इस पे था, कई लोगों का फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट था, और कई लोग इस पे खराब भी कर रहे थे। वैसे ही TikTok पर कई लोग इस पर खराब कर रहे थे, कई लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था, कई लोगों का फ्यूचर भी इस पर डिपेंडेंट था। सो गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने की। अब बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जो स्टेप्स उठाए, सही उठाए या नहीं। तो फिलहाल आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे रिवाइव कर। अरे तेरा मैं कत्ल नहीं कर दूँ।